क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वसई की कई संस्थाओं ने मिलकर बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाई राहत। महाराष्ट्र में इस वर्ष मानसून ने प्रलय ढा दिया है। सांगली और कोल्हापुर जिले के हसूर, सिरोल, वालवा, कुरुंदवाड़ आदि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वसई की कुछ सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर प्रत्येक परिवार से मिलकर उन्हें रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बांटी। यहां की तस्वीरें बयां कर रही थी कि किस प्रकार इंसान और जानवर जीवन और मृत्यु से जूझ रहे होंगे। वहीं जब हमारे संवाददाता ने संस्था के पदाधिकारियों से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि जब हम बाढ़ पीड़ितों के लिए साधन सामग्री लेकर उन्हें दे रहे थे तो वे सभी भावुक हो गए थे। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि इंसानियत के नाते बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाएं। मेरा नाम पंकज नंदलाल शर्मा और मैं श्री गोरंगस फाउंडेशन ट्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा सर, जो गए थे यहाँ पे जो डोनेट करने के लिए? जी सांगली, जी सातारा जहाँ गए थे। जी तो उधर आपने क्या क्या डोनेट किया सर? सर हम जो बहुत इफेक्टेड एरियाज हैं, फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं, वहाँ पे गए थे। कौन से कौन से एरिया पे गए थे सर? जैसे हम गए थे हुसूर गए थे, हम वालवा गए थे और कुरुंदवाड़ गए थे। हसूर ये जो है ये बहुत बहुत इफेक्टेड है और हम यही इसी के लिए गए थे ताकि हम उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकें और एक प्रेरणा दे सकें उन्हें। और सर उनको आपने सर इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि आपका खाना हो गया, राशन हो गया, आपका पीने का सामान हो गया, आपकी हाइजीन की चीज़ें हो गई, टॉयलेटरीज हो गई, आपकी क्लोथिंग हो गई, कपड़े हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमारी कोशिश थी कि हम उनको दे सकें और एक प्रेरणा दे सकें कि दोबारा से वो खड़े हो सकें। सर अब अकेले अपनी टीम को लेके गए थे कि और कोई टीम वसई की आपके साथ में आई थी? जी बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूँगा वसई फर्स्ट की, जिन्होंने 10 डिफरेंट एनजीओस को कोलैबोरेट किया और यहाँ पे जो डिफरेंट संस्थाएं थी वो वसई फर्स्ट के नाम से हमने वहाँ पे पहल करी सर। सर और आपके साथ में टीम कौन सी थी, नाम बताएंगे? जी बिल्कुल, हमारे साथ बहुत सारी टीमें थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे डिटेल में बताएं, पर मैं कुछ टीम्स के नाम लूंगा, जैसे कि आपकी लाइन क्लब्स हो गई। लाइन क्लब में डिस्ट्रिक्ट 3231A3 ये थे हमारे साथ। हमारे साथ श्री गोरंगा फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ और भी बहुत सारी टीमें। सर आपने वहाँ पे कितने दिन सर? ये करीब 3 विलेजेस थे जिनको हमने ये सारा सामान। कितने लोगों को दिया आपने? सर ये तो बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग, 500 के करीब होगा, 500-700 के करीब होगा। और जी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबका। सर आपका मेरा नाम सर रफीक मेहमान है जी, रफीक जी का और संदीप जी। मैं रफीक जी और संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी दूर आए और अब ये आपके चैनल द्वारा इस सबको प्रेरित कर रहे हैं आप कि अब वो किसी न किसी तरीके से मातृभूमि की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वहीं इस सामाजिक एवं जनहित कार्य में वसई फास्टर, जागरूक नागरिक संस्था, लॉयन क्लब ऑफ वसई, श्री गौरंगास फाउंडेशन ट्रस्ट, न्यू इंग्लिश स्कूल, माजी विद्यार्थी महासंघ, ओम चैतन्य ज्ञान लीला चैरिटेबल ट्रस्ट, वसई दैवज्ञ समाज, विश्वजीत मित्र मंडल, स्टेप ऑफ फाउंडेशन, माधवराव मुले प्रतिष्ठान आदि संस्थाओं ने अपना सहयोग दिया। वसई से रफीक मेमन की एक रिपोर्ट।